वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, बात करेंगे करियर काउंसलिंग पर। हम अक्सर अपने शोज में बात करते हैं कि हमारे यहाँ नॉर्मली ये ट्रेंड नहीं पाया जाता, ना यूनिवर्सिटी लेवल पर, ना इवन कॉलेज लेवल पर, ना स्कूल लेवल पर। वो तो चले बहुत अर्ली हो जाएगा, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी करियर काउंसलिंग नहीं की जाती। कोई ऐसे कंसल्टेंट्स नहीं है जहाँ पर स्टूडेंट्स जाएं और ये चीज़ें सीखें या उन्हें कुछ गाइडलाइंस मिल जाए। आज हम करियर काउंसलिंग पे बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मोटिवेशनल ट्रेनर मौजूद होंगे, जहांजेब अहमद खान। वेलकम टू द शो जहांजेब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अच्छा जहांजेब, मैंने सही कहा कि हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता? ये बात ज़्यादा मुनासिब होती आज से कोई 10-15 साल पहले, लेकिन अब इसके ऊपर रुझान बढ़ता जा रहा है और करियर काउंसलर्स हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नज़र आते हैं। अच्छा। जो कि बच्चों के साथ काम करते हैं, बच्चों की टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एग्जैक्टली हमारे कल्चर में नहीं है। हाँ, ये है क्या बेसिकली, इसको भी डिफाइन? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है कि आप बच्चे का जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करें कि यार इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर काम किया जाए तो एक्सेल कर सकता है। मैंने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि दुनिया में जो स्पोर्ट्समैन है, जैसे रॉजर फेडरर, ही स्टार्टेड टेनिस एट द एज ऑफ 7। विराट कोहली स्टार्टेड प्रॉपर क्लब क्रिकेट एट द एज ऑफ 8 और 9। ये वो बच्चे थे जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से गेम स्टार्ट की एंड नाउ दे आर द ग्रेट्स एंड लेजेंड्स ऑफ द गेम। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ सब कुछ करवा दो, पढ़ाई भी होनी चाहिए पूरी, अच्छा थोड़ी बहुत स्पोर्ट भी होनी चाहिए, एक जनरल पर्सनालिटी, एक जनरल एक ओवरऑल पैकेज के लिए तो ठीक है कि बच्चा स्पोर्ट्स में भी है, पढ़ाई में भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपने किसी एक चीज़ में एक्सेल करवाना है तो बच्चे का टैलेंट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर टैलेंट नहीं आइडेंटिफाई होगा तो बच्चा सारी ज़िंदगी हेवाए जाता रहेगा। तो इसके लिए करियर काउंसलर्स भी होते हैं। जो करियर काउंसलर्स हमारे यहाँ काम में आते हैं, जो कॉन्टैक्ट में आते हैं बच्चों के साथ, वो आते हैं मोर और लेस ओ ए लेवल्स, मैट्रिक, इंटर के दौर में। ठीक है, जैसे अभी भी उस तरह से रुझान तो नहीं है। मैंने जितनी चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन में, इतने ज़्यादा बच्चों को क्योंकि फोकस्ड ही नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता। एग्जैक्टली, आप सही कह रही हैं। उसके ऊपर मसला ये हो जाता है, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, कि बच्चों के साथ करियर काउंसलर्स उस टाइम के ऊपर आते हैं जहाँ पर वो अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन परसू कर रहे होते हैं, जो कि एक ठीक बात तो इस हवाले से है कि आप प्रोफेशनल एजुकेशन परसू कर रहे हैं तो आपको एक करियर काउंसलर की ज़रूरत है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल के ऊपर है। जब हम बचपन से आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि इस बच्चे का टैलेंट क्या है, तो उसके अंदर वो स्पेशलाइज करेगा तो वो सक्सेस जल्दी पा लेगा। इसमें मतलब हम यहाँ साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है यहाँ पे, उन लोगों का रोल यहाँ, सब में पहले तो समझने की ज़रूरत है, पेरेंट्स का रोल होता है। पेरेंट्स कि ये ग्रूमिंग होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हमने इस रैट रेस में नहीं लगे रहना। आज तक हम 2018 में जी रहे हैं और हम आज तक चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर के अलावा कुछ ना बने। तो जब हम इस रैट रेस के अंदर लगे रहते हैं कि यार डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना चाहिए, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते। बच्चा एक मतलब अपनी मंशा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स की जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता है। वेयर एज हमारे पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते कि उनका जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड है क्या यार? एक एक आर्टिस्ट के घर में अगर बच्चा पैदा हो गया है और वो आर्टिस्ट चाहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, नामुमकिन बात नहीं है। ये नामुमकिनात में से नहीं है, लेकिन एक और तरह की जीन्स ट्रैवल कर रही है। सही, तो सही, वो सही। शायद जरा स्ट्रॉन्गर जीन्स होंगी, उस बच्चे को उन लाइंस पे भी देख लिया जाए, उन लाइंस पे परख लिया जाए, शायद वो कम मेहनत करके ज्यादा एक्सेल कर ले, ज्यादा अचीव कर ले। वेयर एज ये दूसरी लाइन, इसमें भी कुछ ना कुछ वो कर लेगा, लेकिन शायद हो सकता है वो मुश्किल से कर रहा हो, शायद वो अपनी मर्जी से ना कर रहा हो, उसको मजा ना आ रहा हो कुछ काम करने में। क्योंकि जो काम आपको करने में मजा नहीं आ रहा होता वो काम आपको फटीग ही लगता है। हाँ, जो मर्जी कर लें वो आप सरदर्दी समझते। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो काम आपको करने में मजा आ रहा हो वो काम काम नहीं लग रहा होता। वो कहते हैं ना कि इफ यू वर्किंग ऑन अ थिंग विच इज योर पैशन एंड यू लव डूइंग दैट, you are not even a single day on job because you are pursuing your passion. You are doing what you love. तो कोशिश करें कि ये देखें बच्चा क्या करना चाहता है। हर बच्चा खेलना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वी शुड हैव दो स्पेक्टिकल्स अराउंड दैट किड कि हमें पता हो कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि यार ये बच्चा इस काम में एक्सेल कर रहा है। बच्चा बचपन में म्यूजिक की तरफ ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब है कि उसका इंटरेस्ट उसकी तरफ ज्यादा है, हो सकता है उसके अंदर वो बेहतर तरीके से काम कर सके। अब
कोई आर्टिस्ट अगर आर्टिस्ट के घर में नहीं भी है एंड ही इज इंक्लाइन टूवर्ड्स पेंट ब्रश एंड स्केचिंग एंड ऑल दैट, पुट हिम इन दैट फील्ड, ही विल डू समथिंग गुड रादर देन डूइंग समथिंग इन साइंसेज. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि साइंसेज बुरी हैं या आर्ट्स अच्छी हैं, मतलब जो एक उसका रुझान अल्टरनेट फील्ड्स हैं. अगर सब डॉक्टर्स इंजीनियर्स होंगे तो बाकी फील्ड्स वाले क्या करेंगे. सही. अच्छा जान साहब, अभी आप कह रहे थे कि हम बच्चे को एक बाउंड कर देते हैं कि आपने डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, प्रोफेशन ऑल्टरनेट प्रोफेशन है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी फैमिली सेटअप्स या हमारे यहाँ वो प्रोफेशन से उस चीज़ को ऐसा. अभी आपने सिंगर की बात की, सिंगिंग कोई भी मेरा नहीं ख्याल बहुत कम ऐसे वालदैन होंगे जो अपने बच्चे की स्किल को आगे ले जाने देंगे, वो कहेंगे नहीं ये अच्छा नहीं है तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर या कुछ और बनना है. मतलब वो इस चीज़ को वो जो प्रोफेशंस के हवाले से भी जो टैबूज हैं उनको भी तोड़ना पड़ेगा. लेकिन टैबूज के लिए मैं एक बड़ी बेसिक सी बात करता हूँ कि हम माजरत के साथ चीज़ों को समझते नहीं हैं एंड लैंग्वेज प्लेज अ ह्यूज रोल. एक लफ्ज़ यूज़ होता है जो लोग म्यूज़िक से मुंसलिक हैं या गाने से मुंसलिक हैं उनके साथ एक लफ्ज़ यूज़ होता है कि जी ये मरासी हैं. मरासी होता कौन है पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है. मीरास से लफ्ज़ निकला है मिरासी. अगर अगेन अगर कोई खत्तात है और उसकी फैमिली में राइटर्स हुए हैं, खत्तात हुए हैं, या कोई राइटर है जिसकी फैमिली में राइटर्स हुए हैं, तो ये उनकी मीरास है. और अगर उनकी अगली नस्ल उस काम को परसू कर रही है तो वो उस काम के एतबार से मिरासी हैं. तो अगर कोई गा रहा है तो उसको आप टैबू में टैबू क्यों कंसिडर करते हैं, वो उनकी फैमिली के अंदर एक चीज़ है जिसको वो परसू कर रहे हैं एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट. अगर पेंटिंग आर्ट है उसको आप किसी भी पिक्चर को बहुत आप एडमायर कर रहे हैं तो गाना भी आर्ट है. मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो इस बात को इस तरह से समझते हैं. थिंग्स आर चेंजिंग एंड थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, बट इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है. और मेरी अक्सर लोगों के साथ जब डिस्कशन होती है, रादर बहस होती है, तो बहस इसी मौजू के ऊपर होती है कि भाई आप समझें तो सही लैंग्वेज क्या कह रही है. मीरास तो आपकी भी है. अगर कोई लोहार है तो ये उसकी मीरास में है कि आप लोहार थे और आप काम कर रहे हैं. आज अगर आपकी लोहे की फैक्ट्री है, स्टील मिल है अगर आपकी, तो ये आपकी मीरास है एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट. सो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट व्हाट वी आर गेटिंग. अगेन if we are not interested doing anything in that field and if we are not interested in pursuing that field, get something which you or do something which you feel is better for you and you are comfortable at and you can perform well at. acha career counseling ki hum baat kar rahe hain, bachcho ko ghar par bhi bahut grassroots level ki baat kar rahe hain, early ages mein bhi yahi bataya jata hai bachcha ji maine isko lawyer banana hai, maine isko pilot banana hai, maine isko doctor banana hai. पेरेंट्स की काउंसलिंग कितनी जरूरी है इस मामले में? सब में ज्यादा जरूरी पेरेंट्स की काउंसलिंग है. जब मैं चिल्ड्रन काउंसलिंग्स करता हूँ तो उसमें मैं चिल्ड्रन काउंसलिंग से पहले, बच्चे की काउंसलिंग से पहले पेरेंट्स के साथ एक सेशन करता हूँ जिसमें मैं उन्हें इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ के बारे में इम्पोर्टेंस जो है उसका एहसास दिलवाता हूँ कि बच्चे की काउंसलिंग जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही आपकी इम्पोर्टेंट है. क्योंकि मैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ घंटा या दो घंटा, उसमें मैं उसके साथ एक्टिविटीज़ भी कर रहा हूँगा, उसके साथ मैं मुख्तलिफ चीज़ों से चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ, बट जो उन दो घंटों के अलावा 22 घंटे हैं उसमें आप हैं बच्चे के साथ. तो इसमें समझने की ज़रूरत यह है कि आपने ये चीज़ें करनी हैं, आपने ये काम करने हैं ताकि बच्चा उस लाइन के ऊपर आए. यहाँ मैं एक केस शेयर करना चाहूँगा जो आजकल बड़ा हॉट है. अगर आपने भी देखा हो जो बच्चा सोशल मीडिया पे, ओए इधर आओ मेरा बस्ता वापस करो, उसको इतना गलत हैंडल किया जा रहा है उस बच्चे को. अभी वो बच्चा, बच्चे सारे क्यूट होते हैं, बचपना फेज में है वो, बच्चे सारे क्यूट होते हैं और बच्चे होते ही प्यार करने के लिए. ठीक है, और बच्चों को हम एक सर्टन उसमें खिलौने की तरह भी यूज करते हैं, लेकिन इस हद तक खिलौने की तरह ना यूज करें कि उसकी पर्सनैलिटी ही शेप हो जाए. आज पूरा पाकिस्तान उसे माशाल्लाह बुला रहा है. ठीक है, वो बच्चा उसको बुलाया, उसको बुला कर ये कहा जा रहा है बदतमीजी करके उसको दिखाओ. उसको बुलाया उसकी क्यूटनेस पे नहीं जा रहा, उसकी हरकतों पे जा रहा है जो कि इवेंचुअली बदतमीजी है. ये जब पक्का हो जाएगा और उसको इसके ऊपर नहीं उसकी तंबीह की जाएगी, जब वो इसके ऊपर बिल्कुल एडमिंट होगा कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, तो यही पेरेंट्स होंगे जिनके लिए सब में बड़ी प्रॉब्लम का बायस बनेगा ये. आज वो पेरेंट्स सारे मॉर्निंग शोज पे उसको लेके जा रहे हैं, वो शो के लेके जा रहे हैं, ही इज अ सेलिब्रिटी,
बट द थिंग इज कि वो बच्चे की पर्सनालिटी के अंदर क्या शेप हो रहा है, शेप हो रहा है। आप उसको बता रहे हैं, आप उसको 10 लोग उस बात पे उसको अप्रिशिएट करें कि वो बदतमीजी कर रहा है। जब कल को वो आपको खुद कहेगा ना कि मेरा बस्ता वापस करो या मेरे पैसे वापस करो या अपनी गाड़ी आपकी गाड़ी की चाबी को कहेगा मेरी गाड़ी की चाबी वापस करो, और वो एज होगी जो इतनी छोटी नहीं होगी, फिर आप उसको फिर आप नहीं संभाल सकेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। जब आप बच्चों के साथ देखें, एक ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो ग्रूमिंग के अंदर वो सारे फ्लेवर्स होते हैं एक बच्चे की पर्सनैलिटी में जो होने चाहिए, एक अच्छी पर्सनैलिटी में होने चाहिए। उसके अंदर हम डांटते भी हैं, उसके अंदर हम प्यार भी करते हैं, उसके अंदर हम कभी कभार हल्की फुल्की लगा भी देते हैं, ताकि बच्चे को डर भी रहे और प्यार भी रहे। कोई भी काम ज्यादा करते हैं आप तो उसके साथ वो ज्यादती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अच्छा, बच्चे की अहम करियर काउंसलिंग के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे इवन प्रोफेशनल्स भी, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे जिनको प्रॉब्लम होती है कि वो जो काम करे बस उन्हें चाहिए है कि हम सिर्फ कमा लें और उसको दो वक्त की जो रोटी है उसका अरेंज कर लें, लेकिन एट द एंड जो चीज़ आप इंजॉय नहीं करें, जो आपको पैशन नहीं है, वो आपका करियर कैसे आप उसको परस्यू कर सकते हैं। देखिए, इसकी मैं आपको एक मिसाल इस तरह से देता हूँ कि दो लोग थे, उन्होंने जॉब इकट्ठी स्टार्ट की, एक साहब एंडेड अप बीइंग द जीएम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, और एक साहब एक जैसी क्वालिफिकेशन वाले एक ही इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुए, और दूसरे साहब जो थे वो मिडिल टीयर में कहीं पास आउट हो गए। जब ये एक रिसर्च है, उनसे जब उन दोनों का इंटरव्यू किया गया वाइल ऑन देयर फेयरवेल, तो उनसे कहा कि यार आप दोनों ने सेम डेट पे ज्वाइन किया, सर आप जीएम रिटायर हुए और आप मिडिल टीयर मिडिल मैनेजमेंट में अपर मिडिल मैनेजमेंट में रिटायर हुए और सर्विस स्पैन भी एक जितना है, तो क्या वजह है? वजह जब पता लगी तो उसमें सब में इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जो साहब जीएम रिटायर हुए थे, ही वर्क्ड विद पैशन डे इन डे आउट, एंड द डे ही वॉज रिटायरिंग ही वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही टुक दैट थिंग एज पैशन, हिज जॉब एज अ पैशन, एंड ही वॉन्टेड टू वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड वॉट एवर ही वॉज डूइंग जो जॉब डिस्क्रिप्शन उनकी थी वो इंजॉय करते थे। जो दूसरे साहब थे वो सिर्फ अपने एंड्स मीट कर रहे थे और वो जॉब वो इसलिए कर रहे थे कि उनकी खर्चा गुजर बसर हो सके, खर्चा पूरा हो सके। तो इससे हमें पता लगता है कि जिस भी काम में हमारा पैशन होता है और जब हम पैशनेटली वो काम करते हैं, वो हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेते हैं। जब हमारा पैशन नहीं होता तो हम उस नियत से काम नहीं कर रहे होते। आपने देखा होगा कि आर्मी के अंदर कई लोग हम देखते हैं जिन्होंने अपनी आर्मी की सर्विस बहुत अच्छी तरह से गुजारी, बट एक सर्टन लेवल के ऊपर रिटायर हो गए। क्यों आगे नहीं परसू किया? उसमें इंटरेस्ट लेवल कम होना शुरू हो जाता है आपका, आपकी एफर्ट्स कम होना शुरू हो जाती हैं। तो वो और जो ज़्यादा एक्सेल करते हैं और जो आपके फोर स्टार जनरल्स बनते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने फ्रॉम द डे वन उसको पैशनेटली परसू किया, जो इनका गोल सेट हुआ होता है कि हमने इस पोजीशन को अचीव करना है। तो हमें बेसिकली इस चीज़ को देखने की ज़रूरत होती है कि यार हम वो काम करें जिसके अंदर हम पैशनेटली अपने हार्ट एंड सोल के साथ काम करेंगे। अगर नहीं कर सकते तो कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ऐसा काम देखें जो कि हमें उसके अंदर परसू थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन हमें मिल जाए, हमें सेटिस्फैक्शन। और इसका एक और तरीका है, अब ये जो लोग भी ये बात सुन रहे होंगे वो ये कह रहे होंगे कि बहुत आसान है कहना, आपको एट टाइम्स एंड्स मीट करने पड़ते हैं और आपके पास कोई और चारा नहीं होता, जो कि हकीकत है। फिल वक्त हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके अंदर हमें वाकई जो काम मिल जाए हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें अपने एंड्स मीट करने हैं। उसका तरीका ये है कि आप अपनी बाकी की जो ज़िंदगी है, जो आपके उन 8 घंटों के अलावा ज़िंदगी है, कोई एक ऐसा काम कर लें या उस काम से मुंसलिक कोई काम कर लें जो आप हमेशा करना चाहते थे, चाहे वो मतलब उसके अंदर आपको कुछ ना मिल रहा हो, बट आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगी। आधा घंटा निकाल लें, एक घंटा निकाल लें उस काम के लिए, बट निकालें ज़रूर। I am a motivational trainer and I was not a born motivational trainer or my environments were not as conducive in terms of the economical structures or the other things which you talk about, but I pursued this thing kyunki mujhe karne mein maza aata hai, to turn people's lives in a positive way aapko maza aata hai, aap jab dekhte ho results aapke samne aa rahe hain, when you work with people one on one, when you work with people in group settings, और वो आपको फीडबैक देते हैं कि यार हमें मजा आ रहा है, आप खुद भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, आप खुद भी आप सीखते हैं तो आगे सिखाते हैं।
ठीक है, नॉलेज इसी तरह से होता है, मतलब वो जो कहते हैं ना कि बांटने से बढ़ता है, उसका रीजन ये होता है कि क्योंकि आपने पढ़ा होता है और आप उसको डिस्कस कर रहे होते हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो वो बेहतर तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. इसी तरह से जब मतलब व्हेन आई स्टार्टेड इट, तो सिचुएशंस वर नॉट दैट कंड्यूसिव, बट आज हालात डिफरेंट हैं एंड आई एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट. थैंक यू वेरी मच जान से, बहुत शुक्रिया कि आज आपने करियर काउंसलिंग के हवाले से जनाब थोड़ी आपको गाइडेंस भी मिल गई कि किस तरह से जो आप काम करना चाहते हैं, जो आपका पैशन है, उसको जरूर परसू करें. कहीं ना कहीं नो डाउट आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, और जो काम आप पसंद नहीं करते या जिसको एंजॉय नहीं करते, कहीं ना कहीं आप उसके लिए इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड भी नहीं होते. अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे और आपसे हमारी मुलाकात होगी कल. हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर के नाम से. और इन केस आज का शो आपने मिस किया तो शाम 5 बजे और रात 1 बजे रिपीट भी होगा, और हमारा यूट्यूब चैनल है जागो लाहौर, वहाँ पर अवेलेबल भी होगा. आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.